everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Students, if you have not subscribed my channel yet, please do subscribe it for your easiness and to get all my back-to-back videos over my YouTube channel. So students, we were learning about history chapter number 2, the expansion of British power, in which I had explained you more about English East India Company, its establishment, arrival of trading companies, means कौन-कौन सी trading companies India arrive हुई, trade rivalry क्या है, Anglo-French rivalry, the British in Bengal, यानी कि Bengal में Britishers आए या उन्होंने अपनी companies को setup किया, Battle of Plassey later I had explained, Bengal after Plassey I had explained. Now our topic is Battle of Buxar. Okay, so firstly you have to open your books. Okay, and this is your topic. Now you can see over the screen, the British defeated Mir Qasim in a series of battles, means ek ke baad ek battles हुए जा रहे थे और अलग अलग लोग उनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और अलग अलग यानी कि एक दूसरे लोगों को डिफ़ीट करने की कोशिश करते थे और कोई एक पार्टी, कोई एक टीम जो थी वो हार जाती थी और जो जीतता था वो जैसा चाहता था वैसा हो सकता था. और वो मोस्टली क्या था कि एक दूसरे की जो टेरिटरी है, रीजन है, उसको कैप्चर किया करते थे, उन पर कब्ज़ा किया करते थे. Mir Qasim fled to Awadh. He formed an alliance with Shuja-ud-Dawla, the Nawab of Awadh, and Shah Alam, the Mughal Emperor. ठीक है ना, तो उन्होंने एक एलायंस बनाया Shuja-ud-Dawla जो थे नवाब थे अवध के उनके साथ, और शाह आलम जो थे वो मुग़ल एम्परर थे. The combined armies met the British forces at Buxar on 22 October 1764. बक्सर एक प्लेस है जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस कंबाइन हुए, आर्मीज कंबाइन हुई 22 अक्टूबर 1764 को. द इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड, इंडिया की जो आर्मी थी वो हार चुकी थी. अ ट्रीटी वॉज साइंड एंड शाह आलम सेकेंड ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ पर आज उड़ीसा है उसको उड़ीसा कहा जाता था, ORISSA, लाइक दिस. वॉट इज इट नाउ? ODISHA, राइट. द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ डिसिसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में सबसे अगर नुकसानदायक बैटल कोई था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिससे हमारा ट्रेड था, सब कुछ था, वो डिक्रीज होने लगा. द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मीज वॉज थॉरोली एक्सपोज्ड, क्योंकि हमारे पास जो आर्मी थी वो बहुत ही वीक थी. द नवाब्स ऑफ अवध एंड बंगाल एट द मुगल एम्परर नाउ बिकेम डिपेंडेंट ऑन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. अब जो नवाब थे अवध के और बंगाल के और मुगल एम्परर थे वो टोटली डिपेंडेंट हो चुके थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे. टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द रिच ईस्टर्न प्रोविंसेस गेव द ब्रिटिश इनॉर्मस रिसोर्सेज फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ कंपेंस. तो अब उनके लिए जो अर्निंग्स थी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी थी. बंगाल आफ्टर बक्सर, आफ्टर विक्ट्रीज एट प्लासी एंड बक्सर, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल पावर, रियल रूरल ऑफ बंगाल. यानी कि एक के बाद एक जगह से जो बंगाली थे वो जीत जाया करते थे, ठीक है ना. और ऐसे में क्या था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रियल रूलर बन चुकी थी बंगाल की. ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत ही पावरफुल थी वो किसी भी पार्टी को, किसी भी टीम को डिफ़ीट करके उस पर कैप्चर करती थी और फिर मन मर्ज़ी से जैसा वो चाहते थे वैसा होता था, और जो लोग भी अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे उनको भी सब कुछ मानना होता था. द मिलिट्री केम अंडर इट्स कंट्रोल, रेवेन्यू बिगेन टू बी कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी. जो मिलिट्री थी वो
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही थी, और उनसे क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, यानी कि किराया किसी भी चीज़ का टैक्स, लाइक ओके अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू द नवाब टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो नवाब्स थे जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे उनको थोड़ा सा पार्ट उसमें से दे दिया जाता था। सो द ब्रिटिश हैड ऑल पावर एंड इनकम बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिटिशर्स के पास अब क्या था, पूरी पावर्स थी, पूरा पैसा था, बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड द नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर एंड नो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन जो नवाब थे उनके पास सारी जिम्मेदारियाँ थी लेकिन पैसे या सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही कम था, एंड हैज़ नो पावर, कोई भी उनके पास पावर नहीं थी किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए। दिस यूनिक अरेंजमेंट इज़ जनरली नोन एज द डुअल और डबल गवर्नमेंट। इससे क्या था, एक व्यक्ति के पास पैसा पावर सब कुछ था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और दूसरे लोगों के पास केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी, पैसा और पावर बिल्कुल भी नहीं था। द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड इमेंसली अंडर दिस सिस्टम। बंगाल के जो लोग थे वो बहुत ही सफ़र कर रहे थे इस सिस्टम से। इवन ड्यूरिंग द फेमाइन विच स्ट्रक बंगाल इन 1770 में जो फेमाइन हुआ, जिसको भूखमरी कहा जाता है, भूख से लोग मरने लगते हैं, वो भी बंगाल में हुआ। नीदर द कंपनी नॉर द नवाब प्रोवाइड एनी रिलीफ टू द पीपल। ना ही कंपनी के लोगों ने ना ही नवाब्स ने किसी ने कोई भी हेल्प किसी भी व्यक्ति की नहीं की उस टाइम भी। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल एंडेड इन 1772। और ये सिस्टम ज़्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि कोई भी हो कब तक बर्दाश्त करेगा। तो बंगाल के जो लोग थे, जब फेमाइन में उनको कोई हेल्प नहीं मिली तो उन्होंने उनकी पार्टी को अपोज किया और इनका रूल एंड हो गया 1772 में। बंगाल वॉज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब जो बंगाल था वो वहाँ पर कंपनी का डायरेक्ट रूल हो गया, वहाँ पे नवाब्स का कोई भी वर्क नहीं रहा। फिर वहाँ पे न्यू गवर्नर जनरल बनाए गए, जिनको वॉरेन हेस्टिंग्स नाम था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1772 टू 1785 एम्बार्क्ड ऑन अ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ओके, For this you have to revise all the taught topics which I had explained in the same video. To watch next topics or to learn about next topics you have to keep watching videos. Till then, bye bye, take care, have a good day.